स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर टू ऑफ सिविक्स, डेमोक्रेसी। सिविक्स का चैप्टर टू है ये डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो देखते हैं। फर्स्टली, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या हैं वो समझेंगे हम इस चैप्टर में। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अलावा गवर्नमेंट की दूसरी फॉर्म्स क्या हैं वो जानेंगे हम। व्हाई डेमोक्रेसी इज सो पॉपुलर, डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर क्यों है। इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्या है, यानी कि सबको एक समान अधिकार मिलते हैं, यानी कि समानता। ठीक, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सरकार में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मिटिगेटिंग सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, तो सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक डिफरेंसेस को ख़त्म करना। प्रमोटिंग इंडिविजुअल इक्वलिटी, तो लोगों को व्यक्तिगत समानता प्रमोट करना, लिबर्टी डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन सबको आगे देखेंगे हम सभी इस चैप्टर में। तो पहले हम देखते हैं क्लास द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या होती हैं। फर्स्ट वन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउज पीपल पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू अ वोटिंग सिस्टम। तो क्या है, वोटिंग सिस्टम के थ्रू डेमोक्रेटिक सरकार पब्लिक को सरकार में शामिल होने की परमिशन देती है, यानी पब्लिक सरकार में शामिल होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी सेकेंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। तो डेमोक्रेसी कौन से सिद्धांत पर काम करती है, इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर, जस्टिस न्याय के प्रिंसिपल पर, फॉर एवरीवन, सभी के लिए न्याय और जस्टिस मिले, एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कास्ट, क्रीड, क्रीड का मतलब होता है मजहब, रिलीजन, धर्म, जेंडर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कुछ भी हो, तो सबको बराबर समानता और न्याय का अधिकार देती है डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर्ड विद वन अनदर। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से कंपेट करती हैं, कंपटीशन करती हैं, एंड दस देयर इज नो स्कोप ऑफ मोनोपोली ऑफ वन पार्टी। तो इस तरह क्या है, किसी एक पार्टी को विशेष अधिकार का की कोई जगह नहीं रह जाती। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज ऑन इट्स टोज एंड इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट हमेशा खड़ी रहती है और पब्लिक के वेलफेयर को सुनिश्चित करती है। वेलफेयर मींस होता है कल्याण, यानी पब्लिक का कल्याण सबसे पहले होता है। बिकॉज इफ़ दे डू नॉट, अगर क्या होता है, इफ़ दे डू नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस दे माइट बी वोटेड आउट ऑफ पावर। अगर रूलिंग पार्टी उनकी पब्लिक की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो क्या होगा, दे माइट बी वोटेड आउट ऑफ पावर, उन्हें पावर से अलग किया जा सकता है, यानी नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। ठीक, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू द लॉज। तो सिटीजन्स के राइट्स क्या होते हैं, कानून के थ्रू नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स के बीच पावर का डिवीजन होता है, जैसे द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये थ्री जो मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इनके बीच पावर डिवाइड की गई होती है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लियर तरीके से होता है, देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिससे कि दोनों के सरकारों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय सरकारें, विलेज लेवल की या टाउन लेवल की जो सरकारें हैं, नगर पालिका या ग्राम पंचायत, ये भी पब्लिक के वेलफेयर को देखती हैं, एंड डेमोक्रेटिक रूल यहाँ तक फॉलो होते हैं। देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑफ सिटीजन्स एंड अपोजिशन पार्टी, दोनों के लिए एक्सप्रेशन की आज़ादी होती है, यानी कि अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्लास, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दूसरे फॉर्म्स क्या हैं, कई तरह की सरकारें अलग अलग होती हैं। अब पहला है, देखिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन सत्तावादी सरकार होती है। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स
ऐसी सरकार जहाँ इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों का ग्रुप होल्ड ऑल द पावर, सभी पावर अपने पास रखते हैं एंड रूल द पीपल विदाउट कंसिडरिंग देयर व्यूज ऑफ एस्पिरेशंस। तो पब्लिक की व्यूज या उनकी उम्मीदों को देखे बिना वो शासन चलाते हैं, उसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। देख क्लास, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैन वी हैव टू टाइप्स। तो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट वन है डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। तो डिक्टेटरशिप क्या है, हिंदी में कहते हैं तानाशाही सरकार। इन अ डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट सिंगल इंडिविजुअल होल्ड्स ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो उसमें केवल एक व्यक्ति जो हेड होता है सरकार का, सभी डिसीजन लेने की पावर्स उसी के हाथ में होती हैं, कोई पब्लिक का पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं होता, सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में पूरी पावर होती है। तो ये हो गई डिक्टेटरशिप। अब सेकंड वन है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ऊपर जो पिक्चर दिए सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इदी अमीन एंड जोसेफ स्टालिन, ये कुछ डिक्टेटरशिप सरकारों के एग्जांपल्स रहे। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या है, इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द रेंस ऑफ पावर आर कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री। तो इसमें पावर क्या होती है, मिलिट्री के हाथों में होती है, यानी सेना जो देश की होती है वो पावर को अपने हाथ में लेती है और पूरा देश उसके हाथ में चलता है, इलेक्शन नहीं होते, और ये भी एक तरह से डिक्टेटरशिप है। इसका एग्जाम्पल क्या, देखिए द मिलिट्री रिजाइम्स ऑफ लीबिया अंडर म्यांमार, म्यांमार के अंडर में मिलिट्री शासन लीबिया का, ठीक है, म्यांमार गद्दाफी एंड इजिप्ट अंडर होस्नी मुबारक, मिस्र में देखिए होस्नी मुबारक सरकार थी, चिली बोलिविया अर्जेंटीना म्यांमार कंबोडिया कांगो एंड घाना हैड मिलिट्री गवर्नमेंट्स एट वन टाइम। इन सरकारों में एक ना एक बार मिलिट्री सरकार रही है।